जैसे कि आप अभी हमारे इमाम साहब मोहम्मद शरीफ जमा से सुने और हमारे मौलाना सदुद्दीन साहब से सुना आपने, ये इत्तेहाद हमारा पुरअमन इत्तेहाद है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं हुकूमत के लोगों को, हमारे जो इंतजामिया है, हमारे खाने से लोग आए हुए हैं और मीडिया के लोग आए हुए हैं, इनके जरिए हम अपना एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम जो लोग हिंदू मुसलमान यहाँ पर एक साथ, अभी आपको हमारे इमाम साहब ने बताया कि किस तरह से हम लोग एकजुट होकर के एक भाईचारा के हिसाब से हम रहते हैं यहाँ पर, इस भाईचारा को, इस अमन को ख़त्म करने के लिए ये लोगों का एक साजिश है। आप जानते हैं कि ये जब से इस पार्टी ने मतलब आया है, मैं पार्टी पर नहीं जाता हूँ, उसको आप मत लीजिएगा कोई बात, लेकिन क्योंकि एक बात आ गई इस पर मैं बोल रहा हूँ कि ये इन लोगों का मतलब एक ही काम है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो, अपना बाजार को मतलब कि गर्म करो। तो आप लोगों से मतलब इत्तेहाद है, हमारे खास करके हमारे यहाँ नौजवान जो है इनसे इत्तेहाद, इनसे मतलब हमारा मुखातिब मैं हूँ कि आप पुरअमन रहें, आपका इत्तेहाद पुरअमन रहे, आप हुकूमत को बताएं कि हम वो लोग हैं जो अमन को चाहते हैं, हमारा पैगंबर अमन का पैगाम दिया करते थे, उनका ये पैगाम था कि अमन से रहो, उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है, पूरे दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के वो रहमत बन करके आए थे, उनके ऊपर में आज इस तरह से लाजिमा हटकर उनके शान में इस तरह से गुस्ताखी का किया गया है, इसको हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी का बेइज्जती, नबी का शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने मतलब कि हमारा कुरान सिखाता है, अरे आपको पूजा करना है आप पूजा कीजिए, हम नमाज पढ़ते हैं हम नमाज पढ़ेंगे, हमारा कुरान कह रहा है लकुम भी नकुम बल यदीन, आपका दिन आपको मुबारक, आपको जिस तरह से चाहते इबादत कीजिए, हम जिस तरह से चाहते इबादत करें, आप हम भी अल्लाह को पूछते हैं, आप भी अगर वैदानियत अगर एक ईश्वर को पूछते हैं तो पूछिए, या आप जिस तरह से चाहते हैं आप कीजिए, हमको उसमें कोई एतराज़ नहीं है। ये जमहूरियत है या इस मुल्क में जमहूरियत है, हर मजहब को आज़ादी दिया गया है, हमारा संविधान में है कि हर मजहब अपनी तरीका से अपनी इबादत करे, हमारा संविधान में है कि किसी भी मजहब के लोगों को, किसी भी मजहबी पेशवा को कोई भी नाजिबा हरकत या किसी की बेइज्जती ना की जाए, और अगर होता है तो संविधान की तरीका से उसको सजा दी जाए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सा ऐसा है, यहाँ पर अगर किसी लीडर के बारे में कह दिया जाए तो उसको जाकर उसके ऊपर में सजा होता है, उसके ऊपर में एफआईआर होता है, और आज इतनी बड़ी बात हो गई, 12 दिन हो गया यहाँ पर, उसको सिर्फ एक आई वॉच इसको बोलते हैं जिसमें कि आपको मतलब धोखा देगा कि पार्टी से निकाल दिया, कि लोग ठंडा हो जाए कि पार्टी से निकाल दिया, फिर आप देखेंगे 6 महीने के अंदर वो पार्टी के अंदर आ गया, अरे पार्टी के अंदर वो बदाबता आए ना आए पार्टी का काम करता रहेगा, वो फिर उसी तरह से अपना मतलब की सरंगजी मतलब की फैलाता रहेगा। तो हमारा मुतालबा है कि उसको ऊपर में, उसके ऊपर में FIR होना चाहिए और हुकूमत उसके ऊपर FIR करे और उसको सजा दे, और नहीं तो मैं यहाँ पे आलमा हजरात है, इनकी अपनी एक तंजीम है, हम आवामी तरीके से मतलब इनको बोलते हैं कि हम दामे जुम्मे सुख ले अपनी जान और माल कुर्बान, आप यहाँ से मतलब उसके ऊपर FIR करें, एक वकील को मतलब कि मतलब अपॉइंट करें, उनसे सलाह मशवरा करें कि हमको इसके ऊपर में FIR होना चाहिए, FIR होगा और हिंदुस्तान के हर शहर हर कस्बा से उसके ऊपर में मतलब कि केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए। ये हर मध्य यहाँ तो ये हिंदुस्तान का मतलब पहचान है कि यहाँ मतलब बता रहे थे ना कि हर मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, हमारे अल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि ये गुलदस्ता है यहाँ पर, ये हिंदुस्तान जो है हर 5 किलोमीटर के बाद जाइएगा तो एक मजहब है, एक जुबान है और सब लोग यहाँ पर मिल मिला करके कस्बा और शहर में रहते हैं, लेकिन इसको मतलब खराब किया जा रहा है, इसको हम खराब होने नहीं देंगे, हम अपने सब्र और इससे और पुरअमन इत्तेहाद के तरीका से हम अपने अगर हमारे पड़ोसी भाई जो है इनको भी हम दावत देंगे कि आप भी हमारे साथ आए, आप भी हमारे साथ मतलब कांधा से कांधा मिलाए कि ये बात गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात गलत है, किसी की भी पेशवा पर, किसी की मजहबी पेशवा पर इस तरह से बात नहीं होना चाहिए तो आप आइए, हम आपका सर्वोत्तम करते हैं, आपके ऊपर में अगर किसी कोई मतलब बोलता है किसी भी मतलब की
श्रीका के लोग अगर आपके मतलब के बेइज्जती करता है हम आपके साथ हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात से खत्म करता हूँ। सिर्फ एक अल्लामा इकबाल का शेर के साथ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा, हिंदू सिता हमारा।